कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम परवार के नेशनल हाईवे पर दवाइयों से भरा एक ट्रक ओवरटेक करते वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें भारी दवाइयां सड़क पर बिखर गईं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्लीमनाबाद पुलिस बल ने ग्रामीणों की मदद से सभी दवाइयों को एक जगह एकत्रित कर रखवाया, जहां इस ट्रक के चालक अली ने बताया कि वह मुंबई से दवाइयां लोडकर बनारस जा रहा था। तभी स्लीमनाबाद के नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ओवरटेक करते वक्त ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे स्लीमनाबाद थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि ट्रक में रखी सभी दवाइयों को एकत्रित कराकर जिसकी दवाइयां थी उसे सूचना दे दी गई और इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम है आले। गाड़ी कहां से कहां जा रही है? यूपी पटना की, तो यहीं पे क्या बोलते हैं कटनी के पीछे 30 किलोमीटर पीछे है। यहीं पे कल सुबह 4 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है। मतलब क्या बोले, वो एक 12 चक्का है, 12 चक्का वो रॉन्ग था, जो इंडिकेटर भी कुछ भी नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरा उसका सिग्नल नहीं पाया, उसकी वजह से वो नीचे में गिर गया। वो प्रॉब्लम बस वो हुआ है, मेरा नुकसान भी बस यही हुआ है और पूरा गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। क्या लेके जा रहे थे आप, कहाँ से कहाँ? मुंबई से पटना जा रहे हैं, मेडिसिन लेके आए। मुंबई से पटना? पटना, हाँ, मेडिसिन लेके आए मुंबई से पटना, हाँ, बिहार। अभी लगभग 3:30 बजे के लगभग एक ट्रक क्रमांक MH48BM5930 जो कि जबलपुर से कटनी तरफ जा रहा था, और जिसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कुछ मेडिकल दवाइयां हैं और वो परवार पुलिया के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मौके पर घटना की जांच की जा रही है, तस्दीक की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को कुछ हानि तो नहीं हुई? नहीं, अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039।